हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नरज गुरु अभिनव में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो वीडियो है उसमें हम करने वाले हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 तक की साइंस के सारे कंबाइंड एमसीक्यू, जितने भी इन क्लास से रिलेटेड 6, 7, 8 और 9। तो आप समझ सकते होंगे कि आपको 4 क्लास का एक ही वीडियो में अगर एमसीक्यू मिलता है तो आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने हिसाब से करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, जिस विलयन यानी सॉल्यूशन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घुला जा सके, मतलब एक विलयन में कोई पदार्थ एक ही सीमा तक, एक ही लिमिट तक उसमें अगर घुलता है, उसके बाद उससे ज़्यादा ना घुला जा सके, ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो देखो इसमें क्या है, आपका जो राइट होगा वो होगा सी राइट हो जाएगा, केवल फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फाइव। देखिए क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड इम्पॉर्टेंट है, जल इम्पॉर्टेंट है और प्रकाश इम्पॉर्टेंट है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का कोई कार्य नहीं होता है। तो देखिए इसका सीक्वेंस क्या है कि पत्तियां प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखो क्या है कि खाद्य पदार्थ में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा मतलब नहीं है? तो देखिए सभी पेड़ पौधे, अजैव घटक और सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, ये आपका डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, सूची दी गई है 1 और 2 में सुमेलित करना है, तो आपका राइट हो जाएगा डी। देखिए इसका क्या होगा, जो थायराइड है वो होगा आपका थायरोक्सिन से। उसके बाद अग्नाशय जो है वो कहाँ, उसमें क्या पाया जाता है, इंसुलिन। अधिवृक्क जो होता है वो होगा एड्रेनलिन, और पीयूष ग्रंथि जो होती है वो वृद्धि हार्मोन करती है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? आयरिश आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है न्यूट्रॉन, आपका बी राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्या है, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से निर्मित होती है, प्रोटीन और लिपिड में, आपका डी राइट होगा, ए और सी। फिर नेक्स्ट क्या है, लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? गॉल्जी उपकरण आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में होगा? 1/6 आपका सी राइट हो जाएगा। फिर देखो अगला क्या है, यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो विद्युत धारा होगी वो आधी हो जाएगी, आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षार धातुओं में से किसका गलनांक न्यूनतम होता है? तो सीजियम का आपका डी राइट होगा। देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग जो तत्व होते लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एवं फ्रेंसियम को क्षार धातु कहा जाता है, जिसमें सीजियम का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है या न्यूनतम होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है NaSCO3। देखिए ये बेकिंग सोडा खान कभी कभी शक्कर का या शर्करा का, ग्लूकोज का, बहुत से पूछ लेता है। आप ये फॉर्मूले मतलब बेसिक बेसिक से हैं, क्लास 6, 7 में मोस्टली यही सब ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो
जल्दी लोगों को याद नहीं होते, भूल जाते हैं, गलत भी हो जाता है, तो क्या होगा, NaHCO3 आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन, आपका एयर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी ऊतकों में वसा संग्रहित होती है, तो एडिपोसाइट बी आपका राइट होगा। एडिपोस ऊतक या वसा संयोजी जो ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक होता है, यह त्वचा के लिए एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिका के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्या, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन, आपका सी राइट हो जाएगा आंसर। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा, तो वो 6 kg ही होगा, आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्यूजेक में क्या मापा जाता है, पानी का बहाव, बी आपका राइट आंसर होगा। एक माइक्रो लंबाई प्रदर्शित करता है 10^-6 m या मीटर। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता, आवृत्ति, आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, आपका ए राइट होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या, सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, माइकोप्लाज्मा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4°C पर, भारी जल वह जल होता है जिससे हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रश्न आप दोबारा देख लेते हैं, चलिए आप, तो हमने कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है, एमाइलेज, आपका डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो, बाहिरमंडल में गैसों का संयोजन क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन, आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तब अंतिम विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, इसका आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, द्रव्यमान, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4°C, आपका आंसर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो, माइकलसन मोरले प्रयोग आधार बना था इथर परिकल्पना के पतन का, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है, पोलोनियम, डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या, कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है, कार्पल्स, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, श्वसन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है, तो देखिए श्वसन के संबंध में पहली बात तो उपर्युक्त सभी कथन आपके इसमें राइट है। अब कथन पढ़ लेते हैं, यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, आप तीनों ही कथन सही हैं श्वसन के संबंध में, तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, मातृकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, 1971 में, ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्या, इंसुलिन के अत्यधिक स्राव से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है, सीक्रेटिन, ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखो, लैंगरहंस की जो द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, अग्नाशय में, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं,
इक्टियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। डी इज द राइट आंसर। किसका? मछलियों का अध्ययन, याद रखिएगा इक्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, जंतु किन लक्षणों में पादपों से मिलते हैं, ये दिन रात श्वसन करते हैं, इसका ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो, द्विनाम पद्धति को किसने प्रतिपादित किया था, लिनियस ने किया था, से इसका राइट है। नेक्स्ट है, शाकाहारियों के लिए विटामिन और खनिजों का प्रमुख स्रोत है सब्जी और फल, आपका सी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो एस्पिरिन और निश्चेतक, ये आपका सही है युग्म। नेक्स्ट देखो, गोल कृमि या निमिटोड से होने वाला रोग जो होता है फाइलेरी, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, एथिलीन, बी का राइट आंसर हो जाए। फिर नेक्स्ट देखो, मोनेरा जगत का सदस्य है बैक्टीरिया, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, जीवाणु कोशिका में नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम निम्न लिखिए जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में जो पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, कौन से होते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आपका बी राइट होगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा कम होती है, ये कथन आपका असत्य है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ए राइट हो जाएगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सवाल भूमि में वातावरण की नाइट्रोजन स्थिर करता है, तो क्या होगा इसका, आना बीना, आपका राइट आंसर होगा आना बीना, ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, वे जीव क्या कहलाते हैं जो उच्च लवण सांद्रता वाले आवास में रहना पसंद करते हैं, हेलोफाइल, आपका बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या, पोष वा या फ्लोएम ऊतक मुख्यतः किसकी परिवहन के लिए उत्तरदायी है, खाद्य के, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखो, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाशीय परिघटना उत्तरदायी है, प्रकीर्णन, आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक यूनिट नहीं है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दाब का यूनिट नहीं है, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, जब खाने का सोडा मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से किसके कारण ब्रेड नरम और मुलायम तथा स्पंजी बनता है, तो CO2 के कारण, आपका सी राइट आंसर होगा। अगला देखो, सुहागा या बोरेक्स किससे तैयार किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, आपका डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट देखो, एक्सा ई का मान, मतलब एक्सा या ई, एक्सा को ई से डिनोट करते का मान होता है 10^18, यानी आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है, तो देखिए हाइड्रोमीटर हवा की आर्द्रता मापने के लिए नहीं होता है, ये मिलान आपका गलत है। अगला है, ब्लू बेबीज नामक बीमारी पेयजल में किसकी अधिकता संबंधित है, तो नाइट्रेट की, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भूकंप के हाइपोसेंटर से किसी स्टेशन पर सबसे पहले आने वाली तरंग का प्रकार होता है पी, इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, निल्स बोर ने की थी, सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे का सामान्यता से सवाल कहा जाता है, पौधे को, तो थैलोफाइटा को सामान्यता सवाल कहा जाता है, आपका ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, आयोडीकृत लवण में रहता है पोटेशियम आयोडाइड, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट क्या है, सल्फर ड्रग एक प्रतिजैविक है जिसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं सल्फर तथा नाइट्रोजन, आपका ए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है, वसा है, आपका बी राइट होगा।
फिर अगला है बैकेलाइट, निम्नलिखित में से संघनन बनता है फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से, आपका सी राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संख्या में यौगिक बनाता है कार्बन। फिर अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव का अनुवांशिक पदार्थ है न्यूक्लिक अम्ल, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, बायोगैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, आपका इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कीट संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, आपका ए राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, तो वो होता है जाइमेस, आपका बी राइट होगा। अगला, तिल चट्टे में श्वसन अंग है ट्रैकिया। फिर अगला देखो, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल है एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं, इस युग में क्या व्यवहार होगा, तो देखो कांच की जो समतल चादर की भांति, आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में, आपका सी इसका राइट होगा। फिर क्या है, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली जो बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है, लिथियम का, आपका बी इसका राइट होगा। फिर अगला देखो, शुद्ध चीनी में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, नाइट्रोजन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी राइट होगा। फिर अगला, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का। अगला प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या है 19, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है, तो उसमें एक प्रोटॉन का कण बच जाता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखो, परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इसका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगना क्या है, तो इनमें से कोई नहीं, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही आपके, इन तीनों में कोई भी ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर हो जाती है या होती है, डी इसका राइट आंसर, पहली बात तो होती है। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मिश्र धातु होती है, जस्ता और तांबा के, आपका बी राइट आंसर होगा। अगला है, जंग रोधी इस्पात का निर्माण, इस्पात का मिश्रात्वन किससे होता है, तो उसका सी राइट होगा, क्रोमियम और निकेल से। अगला है, स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्ति स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण के शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट, आपका इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती हैं, तांबा, जस्ता और निकेल, इसका ए राइट हो जाएगा। अगला देखो, इस्पात का आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है, तो इसका सी राइट होगा, यशद लेपन। फिर अगला देखो, उत्कृष्ट धातु को गोलने के लिए निम्नलिखित में से एक का प्रयोग किया जाता है, इसका डी राइट होगा, एक्वारेजिया का। अगला देखो, धातुओं की पद्धति का कारण है, युक्त का कारण है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के मौजूदगी के कारण प्रकाश का परावर्तन, इसका सी राइट होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऐसी है जिसे प्रकृति में सदैव मुक्त स्थिति में पाया जाता है, थोड़ा माफ कीजिए गलत टाइप हो गया, तो स्वर्ण, आपका राइट आंसर होगा ए। अगला प्रश्न देखो, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों को वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम पाउडर का, इसका सी राइट हो जाएगा। अगला क्या है, किसी बिजली की स्थिति को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का। अगला, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है, इसका बी राइट होगा, चूना, पत्थर और मृतिका का।
अगला है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है वांडर वॉल्स बलों द्वारा, इसका ए राइट आंसर। अगला फिर देखो क्या है कि समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, मैग्नीशियम, इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है, जल में, डी इसका राइट आंसर। अगला देखो क्या है, किसी किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के उपयुक्त बनाया जाता है, छारी, है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, शरीर के साथ संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति होती है क्योंकि वह अत्यंत वाष्पशील है, इसका सी राइट आंसर। अगला देखो, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा के दृष्टि निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, हाइड्रोजन, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखो, किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं, निस्तापन, इसका बी राइट आंसर। अगला है, जल दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु होता है जो होता है वो भी बढ़ जाता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो क्या, मरकरी क्या है, एक द्रव धातु है, इसका आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका आपका बी राइट होगा। अगला देखो, विमानन गैसोलीन में गाइलेज को मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिम भवन को रोकता है, इसका सी राइट होगा। अगला देखो क्या, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, ऊष्मा के रूप में, इसका बी राइट आंसर। अगला, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता, गामा उत्सर्जन, ए इसका राइट हो। अगला, नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विबंधक रूप के रूप में प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट को, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केन प्लवन प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है, सल्फाइड, अयस्क के, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखो, कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग करके कॉपर सल्फेट के जलीय घोल में विद्युत अपघटन से मिलता है, कैथोड पर कॉपर और एनोड पर ऑक्सीजन, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखो, बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, निलंबित कर, आपका बी राइट आंसर। अगला है, चीनी के उत्पाद में उपोत्पाद सीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है, अल्कोहल में, ए इसका राइट आंसर। फिर अगला देखो क्या है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल, इसका ए राइट होगा। फिर अगला देखो, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है, बी हीलियम। अगला, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है, ए आपका राइट होगा, कोल टार। अगला है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है, बी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग के कारण। अगला, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अदाह होती है, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बड़े नगरों में वायु प्रदूषण को मुख्य कारण है, निलंबित कण, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला, जैव पदार्थों के संलेपन में इस रसायन का प्रयोग होता है, जल में, फॉर्मेल्डिहाइड, ए इसका राइट होगा। अगला, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व तो बहुतायत में पाया जाता है, हीलियम, ए इसका राइट होगा। फिर अगला देखो, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेर्नोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में वह दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहां वायुमंडली में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे, 1986 में हुई थी। अगला है, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है, प्रशांतता, इसका ए राइट होगा। अगला है, गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित घर पर प्रभाव में योगदान है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, इसका ए राइट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो कि नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, डी इसका राइट होगा। अगला,
प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण कार्बन मोनोऑक्साइड का सीराइट होगा। अगला, ग्लाइकोजन शरीर में किस भाग में पाया जाता है? जो ग्लाइकोजन होता है वो शरीर के यकृत में पाया जाता है, इसका बी राइट होगा। अगला है पांच जगत वर्गीकरण, जिसे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? हिटेकर ने दिया था, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सन हेम रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? पोषवास, इसका बी राइट आंसर होगा। अगला देखो, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? क्वार्कस से, सी इसका राइट होगा। फिर अगला लाइकेन है सहजीवी, फिर अगला है अमर बेल है पूर्ण तना परजीवी, इसका बी राइट। अगला प्रश्न, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? परासरण दबाव से, इसका डी राइट आंसर। अगला प्रश्न, हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? प्रकंद, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं नीली हरी शैवाल, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं? स्पाइरोगायरा को, ए इसका राइट आंसर। अगला, लेग्यूमिनोसी कुल की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में उपस्थित वर्णक क्या कहलाते हैं? लेग हीमोग्लोबिन, इसका बी राइट होगा। फिर अगला देखो, बॉटुलिज्म क्या है? जीवाणुओं में उत्पन्न खाद्य विषाता, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखो क्या है, आवश्यक तत्व से अभिप्राय है, इसका पहली बात तो डी ऑप्शन राइट होगा। वह तत्व जो पौधे के उपापचय में भाग लेता है, तत्व की कमी हो जाने पर पौधे में विकार उत्पन्न हो जाए, या उस तत्व की कमी को कोई अन्य तत्व पूरी ना कर पाए, ये तीनों ही अभिप्राय आवश्यकता तत्व से सही है, इसका डी राइट होगा। अगला प्रश्न देखो, रोग ग्रसित पादप में स्वस्थ पादप की तुलना में श्वसन दर होती है अधिक, इसका ए राइट आंसर होगा। अगला है, सामान्यतः अचार को नमक तथा तेल से संतृप्त घोल में तथा मुरब्बे को शर्करा के सांद्र घोल में संरक्षित रखा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जीव द्रव संकुचित होकर मर जाते हैं, आपका बी राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य है, अधिक वाष्प सर्जन करने वाले पौधे में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पौधों में वृद्धि से तात्पर्य है, इसका डी राइट होगा। आकार एवं आयतन में चिरस्थायी वर्धन, जीव द्रव्य में वर्धन और शुष्क भार में वृद्धि। अगला है, पौधों को का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो वो पर्ण है, इसका सी राइट हो जाएगा। अगला है, लाल चना है अरहर। अगला, निम्न में से किस में दो प्रकार केंद्रक होते हैं? पैरामीशियम कॉर्डेटम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जीव है अन्य जीवों के वर्ग का नहीं है? वो केकड़ा। अगला, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है? धनिया पत्ती। अगला है, कौन सा कार्बोहाइड्रेटी मोनोसैकेराइड है? ग्लूकोज, इसका सी राइट होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन मूत्र निर्माण की सहायता से होती है? एल्बुमिन, सी इसका राइट होगा। फिर अगला, निम्नलिखित में से किस पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन पदार्थ के रूप में उपयोग किए में लाए गए? एरिथ्रोपोइटिन, सी इसका राइट आंसर। फिर अगला देखो क्या है कि पित्त का प्रमुख कार्य है पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना, इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्या है, अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? HCl, इसका डी राइट होगा। अगला, कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है? पाइरूविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल, डी इसका राइट आंसर। अगला, स्पॉन्डिलाइट्स एक बीमारी का नाम है, तो आपसे सबसे पहली बात, स्पॉन्डिलाइट क्या है? एक बीमारी का नाम है जो किसे प्रभावित करती है? स्पाइनल कॉलम को, ए इसका राइट आंसर। अगला, लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? 120 दिन, इसका सी राइट होगा। अगला, लैंगर अंश की द्वीपिकाएं होती हैं अग्नाशय में अप्रणाल, इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें कौन सी पूर्ण रूपेणा अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष, इसका बी राइट होगा। अगला, पैराथॉर्मोन का कार्य है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है, डी राइट होगा। अगला, स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित है? शरीर की प्रतिरक्षा से, इसका सी राइट हो जाएगा।
अगला, जब नर व मादा को बाल अक्षरों के आधार पर पहचाना जाता है तो इसे कहते हैं लैंगिक द्विध्रुव, इसका सी राइट होगा। अगला देखो क्या है, फुसफुस से ऑक्सीजन युक्त ले जाती है फुफ्फुसी सिरा बाएं अलिंद को, सी राइट हो जाएगा। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन से जुड़ने की इसकी तत्परता ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है लगभग 200 गुना, इसका सी राइट होगा। अगला है, ग्लूकोज के एक अणु से यदि दो अणु पाइरूविक अम्ल बने तो कुल कितने अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होगा, 4, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है, बायोलॉजिकल रिफिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं गठिया वाली सतह का, इसका ए राइट होगा। अगला है, यकृत की फुफ्फर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है, फैगोसाइटोसिस से, इसका सी राइट। अगला, पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किसे रासायनिक का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 238 का, बी इसका राइट होगा। अगला, डीपीटी टीका निम्न में किसके काम नहीं आता है, पोलियो के। अगला, डिप्थीरिया टिटनेस और होपिंग का, भी इन तीनों के लिए डीपीटी का टीका। अगला, वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था 1997, इसका सी राइट होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है, हेपेटाइटिस, इसका टी होगा। अगला है, इबोला है एक प्राण घातक विषाणु, इसका बी राइट होगा। फिर अगला, किसी क्षेत्र विशेष में किसी जीव जातियों के सारे सदस्यों के जीन बनाते हैं आबादी का जीन पूल। अगला है, मानव में क्रोमोसोम्स की वास्तविक स्थिति होती है 22 जोड़ी ऑटोसोम्स और एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र, आपका इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित होते हैं एंटीबॉडीज, इसका बी होगा। नेक्स्ट क्या है, हसियाकार रूढ़िधारु एनीमिया की वंशगति में अपूर्ण प्रभाविता किस जीनोटाइप से उद्घाटित होती है, ASS का बी राइट होगा। अगला है, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा होकर चला था ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोलते थे, उसे उन्हें 20 का राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कारक सख्त के थक्के जमने के लिए आवश्यक है, तो देखो इसका पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है, इसका डी राइट होगा। विटामिन के, कैल्शियम, आयरन और क्रिसमस कारक। अगला है, एक कोशिकी यूकैरियोटिक और प्रकाश संश्लेषी को किस जगत में रखते हैं, प्रोटिस्टा, इसका डी राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है, एडेनिन, इसका ए राइट होगा। अगला है, निपैंतीस खासियाना या घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है मेघालय में, इसका सी राइट होगा। अगला है और लास्ट है आज के वीडियो का, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने 180 प्रश्न किए जो 6 से लेके 9 तक के साइंस के MCQ थे उससे रिलेटेड, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप करते रहिएगा, अपने पढ़ाई करते रहिएगा, अपनी तैयारी इसी तरह कंटिन्यू रखते रहिए, हमसे जितना भी होगा हम सब आपका सिलेबस वाइज कवर करवाते चलेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, जो 6 से लेके 9 तक के साइंस का MCQ आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा 180 प्रश्न में। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई प्रश्न इसमें से नया हो या बहुत टफ हो, सारे ही आपके लिए सिलेबस के अंदर हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।